दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 18x45 की होम डिज़ाइन की, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसका साइज की अगर हम बात करें 18 फीट चौड़ा है और लंबाई की बात करें तो 45 फीट लंबा है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, इसका ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मैंने ये डिज़ाइन दिया है और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। यहाँ पर ओपन घर है, ज़्यादा मैंने रूम्स भी नहीं दिए हैं और आपको ये घर देखने में बहुत ही बेहतरीन लगेगा और आपको कहीं कहीं वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पूरा इसी को डिस्कस करेंगे। अगर आप भी कोई चाहते हैं कि आपका मैं मॉडल क्रिएट करूँ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपका मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपका मॉडल क्रिएट कर दूंगा। ये मॉडल 18x45 है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो पूरा डिस्कस कर लेते हैं इस प्लान को। तो हमेशा की तरीके से मैं इसको आपको करूंगा स्प्लिट ट्रांसपेरेंट, और जैसे मैं ट्रांसपेरेंट करता हूं तो ये मॉडल आपको दिखेगा। टॉप व्यू आपको ट्रांसपेरेंट में ऐसा दिखने वाला है, फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, साइड से आपको ऐसा दिखने वाला है। ये हो गया इसका ट्रांसपेरेंटेड व्यू। अब फिर से इसको हम ले चलते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर, और जैसे ओरिजिनल पोजीशन पर आप ले चलते हैं तो आपका मॉडल फिर से ये दिखने वाला है। अब हम आपको ले चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से देखिएगा, ग्राउंड फ्लोर आपको ऐसा दिखेगा फ्रंट से। ओके, अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू आपको ऐसा दिखने वाला है। ग्राउंड फ्लोर की मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने बताया 18x45 का है। तो सबसे पहले आपको एक मेन डोर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सा डोर है ये, और उसके ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए ग्लासेस मिल जाती हैं। ये आपका फ्रंट में एक विंडो मिल जाता है और ये आपके पिलर हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग दे दिया है, ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे। जैसे आप एंट्री करते हैं मेन डोर से तो आपको सबसे पहले मिल जाता है स्टेयर्स। ये स्टेयर्स एल साइज के, आप यहाँ जाएंगे और इसी स्टेयर्स के नीचे आपका लेटरिंग बाथरूम कमांड क्रिएट कर दिया है मैंने। और जब आप इसके साइड में देखेंगे, ये आपको एक गेट दिख रहा है, ये आपका हो गया किचन का एरिया। तो ये आपका लेटरिन बाथरूम, ये आपका किचन हो गया, ये स्टेयर्स। और जैसे आप अंदर जाएंगे तो सबसे पीछे आपको मिल जाता है एक बड़ा सा बेडरूम जिसका साइज पूरा 18x12 फिट है। अगर आप चाहें तो इसमें एक अपना अलग से रूम भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन 18x, अब जो मैंने बताया 18x12 का बेहतरीन सा बेडरूम मिलता है। और ये आपको एक ये रूम मिल जाता है जिसमें आपको ये डोर और ये विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, ये आपका मिल जाता है। अगर आप चाहें तो एक डोर यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका कोई यहाँ पर हल्का सा आपको स्पेस मिलेगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर की बात 18x45 की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये फ्रंट से आपको ऐसा दिख रहा था, बढ़िया सा डिजाइन है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर सेम टू सेम वही बेडरूम, वही दोनों बेडरूम मिल जाते हैं। यहाँ पर लेटरिन बाथरूम मैंने सब कुछ हटा दिया। अगर आप इसके ऊपर भी डिजाइन कराना चाहते हैं तो आप वो आप पर डिपेंड करता है। और ये जो मैंने बाहर दिया था तो फर्स्ट फ्लोर में देखिए नीचे मैंने काफ़ी स्पेस दिया था, या अपनी बाइक या कुछ भी आप आसानी से चीज़ें पार्क कर सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिजाइन नहीं की थी, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में अगर स्पेस रहता है तो कहीं ना कहीं आपका घर बेहतरीन सा लगता है और मॉडल भी अच्छा दिखने वाला होता है। तो ये तो बात हो गई ग्राउंड फ्लोर की। अब हम फर्स्ट फ्लोर को डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट फ्लोर पर बिल्कुल सेम टू सेम वही पीछे का बेडरूम, और साइड में आपको एक बेडरूम मिल जाता है। स्टेयर्स अगर आप चाहें तो ऊपर ले सकते हैं, और ये आपका मिल जाता है रेलिंग आपका, और जो कि बालकनी भी आप इसको बोल सकते हैं। चाहे तो बालकनी आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर बढ़ाया नहीं है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। अगर हम टॉप फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मैंने बाउंड्री दिया है 3 फीट का चारों तरफ, और खास कुछ नहीं डिजाइन किया है, और ये रेलिंग दिया है। तो ये पूरा मॉडल था 18x45 का जो मैंने डिस्कस किया। आपके मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, आप लाइक जरूर करें जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए नए नए आइडियाज, नए नए होम डिजाइन से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहें। अगर आपको इन सभी का जानना है साइज दोस्तों, रूम का कितना साइज है, तो आपको विजिट कर लेना है हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको देखिए एग्जैक्ट 2D डायमेंशन मिल जाता है, हर एक रूम का डायमेंशन, किचन का, बाथरूम का, सभी का डायमेंशन आपको 2D में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और सारा डायमेंशन भी जान सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। और अगर आप कोई भी आपका मॉडल डिजाइन करवाना है तो मुझे कमेंट करके बताएं,
जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपका मॉडल डिजाइन करूंगा। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।